आओ जरा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को, और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैं नहीं मालूम, जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी, 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं बस। 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं है क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहूति दो और इतनी चीजें आग के हवाले करो स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, वही कहते हैं हमारी हर चीज ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला, वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको, नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं 2.5 आंख वाला, हर चीज उसकी नकली चल रही है, और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है, अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था, वो तो बाबा था बच गया, हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया, 160 ग्राम, चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया, 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा, 40 का सुबह 40, 50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है, और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है, ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा मनुस्मृति में, हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है, भारत में हूं कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपये का सुबह और 1000 रुपये का शाम को खर्चा, 2000 रुपये कहां से लाएगा गरीब आदमी। और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा
सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपए सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को, 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून ना बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए, मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं। और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें, इस्लाम की बुनियाद बताई है, नमाज, रोजा, हज और जकात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में 2 चीजें भी बुनियाद हैं लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, जकात और हज। अगर आपके पास इस्तेआत है तो जकात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब हैं तो आपको जकात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तेआत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था एंड्रॉइड, जवाब देना अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है, जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, सहूलत देखिए। एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल में तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, रोजे से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूँगा लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे, क्या है बताइए तो। अल्लाह के रसूल ने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। क्या, एक गुलाम खरीदूं और फिर आज़ाद करूं? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई गुलाम खरीद पाऊँगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है,